मामला बनाकर अस्पताल में मरीज के साथ खानापूर्ति की और उसकी चोटों को अति गंभीर बताते हुए मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस तरह बनाकर अस्पताल के जिम्मेदारों ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन 41 वर्षीय घायल अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई है। वही 108 के जिलाधिकारी फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि एम्बुलेंस 9:45 से 10:20 तक अस्पताल मौजूद थी। सीबीएमओ पनागर संजय जैन ने जानकारी देते हुए कहा है कि 10:16 पर मरीज को अस्पताल लाया गया था। 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं आने की वजह से उसकी मौत हो गई है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। सर अभी 2-3 दिन पहले सर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इलाज सही ढंग से ना होने पर और उसकी मृत्यु हो गई सर अस्पताल में। तो क्या सर उसमें ये पूरे मामले में सर खबर भी बताते थी सर, उसमें खबर संज्ञान में आने के बाद सर क्या कार्रवाई की है? जो हमने जानकारी जुटाई है कि वो पेशेंट कल करीब 10:16 पे यहाँ पे आया था और जो हिस्ट्री निकली उसको हेड इंजरी, उसके शोल्डर पे चोट थी उसकी, तो हेड इंजरी तो थी उसको। तो उस पेशेंट को जैसे वो अंदर आया तो उन लोग ने पापा देखा और इसके बाद इसको डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने कहा इसको हेड इंजरी है, इसका सीटी स्कैन और हायर सेंटर पे इसको मतलब न्यूरो सर्जन के पास दिखाना जरूरी है। तो प्राइमरी उपचार के बाद इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया होगा परिजन ने, तो एम्बुलेंस को काफ़ी टाइम लग गया आने में। उस दौरान पेशेंट वार्ड में ही रहा और परिजन को भी बोला गया कि भाई आप इन पेशेंट को जल्दी से जल्दी ले जाएं तो इसकी जान बच सकती है। और जहाँ तक इलाज में कोई लापरवाही है तो ऐसा कुछ ज़्यादा हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर समय पर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है और जो भी उचित सलाह है वो दी गई है। एम्बुलेंस के लेट होने का कारण ये हो सकता है कि उसका जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। सही समय पर वो यदि फायर सेंटर पहुंच जाता था उसकी जान बच सकती है।